नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। दो दिन के लिए एमपी फिर लॉक, सभी जगह मेडिकल अस्पताल खुलेंगे। भोपाल में डेयरी सुबह 9 बजे तक खुल सकेगी, इंदौर में दूध दोनों टाइम मिलेगा। एमपी के 6 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 1 जुलाई से मिल सकता है इंक्रीमेंट, 1200 से 3000 रुपए तक फायदा। एमपी में जूनियर डॉक्टरों को चेतावनी, मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर ने कहा मेडिकल कॉलेज की सीट छोड़ने पर बॉन्ड 10 से 30 लाख रुपए देना होगा। भोपाल में ब्लैक फंगस के 19 नए मरीज मिले, ऑपरेशन के बाद हर 5 दिन में क्लीनिंग नहीं कराने वाले नए मरीजों को ब्लैक फंगस। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चेतावनी, तीसरी लहर से बच्चों को बचाना जरूरी, बच्चों का खेलना कूदना जरूरी। शिप्रा हरी, सिवना लाल और चंबल काली हो रही, प्रदूषण के कारण 3 बड़ी नदियों का रंग बदल रहा, स्नान तो दूर, आसमान लायक भी नहीं बचा पानी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और मुरैना से बड़ी खबर आ रही है, कार में अचानक लगी भीषण आग। मुरैना से खबर बता रहे हैं आपको, ओवरब्रिज पुल पर वैन में हुआ धमाका, गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। मुरैना से खबर बता रहे हैं आपको, पुलिस ने आवागमन बंद कर दिया है, वहीं कार आग का गोला बन गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची है। मुरैना से खबर बता रहे हैं आपको, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, कार में भीषण आग लग गई है। खबर बैतूल जिले के आमला थाना क्षेत्र के तिरमह गांव से है, जहां अज्ञात आरोपियों द्वारा एक युवक के सिर पर फावड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी गई। दरअसल युवक रात करीब 9 बजे अपने खेत पर गया था, जब देर तक वह घर नहीं लौटा तो उसके परिजन उसे देखने के लिए खेत पर गए, जहां युवक का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। मृतक के परिजनों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव के साथ एक खून से सना फावड़ा बरामद किया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। खबर बैतूल जिले के झल्लार थाना अंतर्गत रंभा गांव से है, जहां आदिवासी महिला की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां आर्य समाज की महिलाओं द्वारा आदिवासी बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला की पुत्री ने गांव के युवक कमल आर्य से शादी कर ली थी, जिसके बाद से ही युवक के परिजन पीड़ित महिला से जमीन जायदाद की मांग कर रहे थे। इसी बात को लेकर यह विवाद हुआ था। पीड़ित महिला ने मामले को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए झल्लार पुलिस ने 5 लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। ये बुजुर्ग महिला का ये कहना कि इसकी जो पुत्री है, सुमन नाम है उसका, उसने और एक गांव के कमल आर्य ने प्रेम विवाह कर लिया है, आपस में साथ में रहते हैं, और वो कमल आर्य और सुमन मिलके इनसे इनका जमीन का हक मांगती है। इस बात को लेके 2 तारीख को झगड़ा हुआ था। इस पर से जो पीड़िता है पीचू भाई, उनकी तरफ से थाना झल्लार में अपराध क्रमांक 171/2021, धारा 294, 323, 536 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। मैं आंगन झर रहा था तो श्याम आ गया। श्याम कौन है? श्याम और लखन आर्य का लड़का है, छोटा वाला। तो वो आ गया इधर, आ
क्यों नहीं आ रहा। मैंने बोला मेरे को बोल रही है किस को बोल रहा, मैं क्यों भी आए झार ही रहा आगा क्यों बच्चा को और नहीं दे रहा बच्चा। तेरा लड़की को हमने रख लिया ना, हमको जमीन चाहिए तेरा। सीधे स्वास्थ्य विभाग से घोर लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां स्वस्थ हुए 7 लोगों को सरकारी रिकॉर्ड मृत घोषित कर दिया गया। दरअसल सीधी जिले के गाढ़ा गांव के 7 लोगों को कोरोना संक्रमित हो गया थे, जिन्हें सीधी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और कुछ दिन बाद वे स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए थे। लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद सभी ने CMHO के पास जाकर अपने जीवित होने का प्रमाण दिया। वहीं इस मामले को CMHO का कहना है कि जिस लिस्ट में स्वस्थ हुए मरीजों को मृत घोषित किया गया है वह लिस्ट फर्जी है। रतलाम जिले के जावरा में जैन समाज ने अनूप मंडल पर जैन समाज के खिलाफ अनर्गल बातें और अविश्वसनीय साहित्य उपलब्ध कराने को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जैन समाज के कई संगठनों ने देश और समाज में ऐसे हिंसा और घृणा फैलाने पर अनूप मंडल के बाबा मूक नारायण और अध्यक्ष अमृत अध्यक्ष प्रजापति और साथ ही उनके अन्य सदस्यों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देकर उनके खिलाफ CBI जांच की मांग की है। ये आज का ये ज्ञापन अखिल भारतीय जैन दिवाकर विचार मंच, अखिल भारतीय जैना मंगल ग्रुप, अखिल भारतीय अहिंसा संघ और महावीर इंटरन जावरा के संयुक्त रूप से आज ये जैन समाज के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन का जैन समाज अहिंसा को मानने वाला है, जैन समाज जी और जीने दो को संदेश को लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार अनूप मंडल द्वारा जैन समाज के खिलाफ अनर्गल बातें जो कही जा रही है वो बड़ी हास्यास्पद लग रही है। जहां इस कोरोना महामारी का आरोप भी वो जैन समाज के ऊपर लगा रहे हैं जो निंदनीय है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। तहसीलदार महोदय को एक ज्ञापन हमारी जैन समाज की संस्थाओं द्वारा अनूप मंडल द्वारा जो भ्रामक प्रचार कर जैन समाज की जो हंसी उड़ाने का कार्य कर रहा है बहुत निंदनीय कृत्य कर रहे हैं और इस तरह से दुर्प्रचार करके हम अहिंसा परम धर्म को मानने वालों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। हम भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं, बहुत शालीनता से अपना कार्य करते हैं, न किसी के पछड़े में हम पड़ते हैं। उसके बाद भी कुछ असामाजिक तत्व एक संगठन बनाकर हमारी जैन समाज की संस्था को नीचा गिराने का प्रयास कर रहे हैं। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों को चेतावनी दी गई है। मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज की सीट छोड़ने पर बॉन्ड के तहत 10 से 30 लाख रुपए देने होंगे। इसके साथ ही शनिवार को भी GMC के जूनियरों डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। सरकार का कहना है कि 6 में से 4 शर्तें हमने उनकी मानी है। और सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां पर योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ Team 9 के साथ बैठक कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। CM योगी आदित्यनाथ Team 9 के साथ बैठक कर रहे हैं।
छतरपुर में ओरछा थाना क्षेत्र के एक कुएं में बच्चे की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। शव की शिनाख्त ढीलापुर निवासी प्रीतम यादव के रूप में हुई है। बच्चे का शव करीब 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। हालांकि अब तक मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। आपको बता दें कि बच्चा पिछले दिनों से लापता था। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मीरापुर में कुएं में एक बच्चे की लाश मिली है जी, जिसकी पहचान कर दी गई है। सूरज प्रजापति है जी, का रहने वाला है जी जी, जो 31 तारीख से जिसकी गुम इंसान की कायमी हो चुकी थी। ये तो टीम के बाद ही पता चलता है। रतलाम में ऑल आउट SDM राजेश कुमार शुक्ला, BMO डॉक्टर अब्दुल कादिर और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी की उपस्थिति में वैक्सीनेशन शुरू हुआ। युवाओं को SDM आलोट द्वारा ऑक्सीजन को लेकर समझाई दी गई, उसी के साथ जान को बचाने के लिए पौधे दिए गए। इस दौरान युवाओं में वैक्सीन को लेकर उत्साह दिखा। इस दौरान आलोट भाजपा मंडल अध्यक्ष दिनेश कोठारी व BJP के कई लोग मौजूद रहे। वैक्सीनेशन हो रहा 18 से 45 साल के बच्चों के लिए, साथ में वृक्षारोपण के इम्पोर्टेंस उनको बताना था। जिन बच्चों ने वैक्सीनेशन कराया 18 साल से बढ़ जाओ, तो हमने पेड़ दिया कि पेड़ की सुरक्षा करें। बाकी जो ऑक्सीजन की कमी सवाल हमने झेली है और पर्यावरण के महत्व को हमने समझा है इस कोरोना के द्वारा, तो उसको हम साकार कर सकें। इस हमने अनुरोध किया है कि ये पौधे लगाएं, लिखें उस पौधे की उसकी सेवा करें, उस पर लिखें कि ये कोरोना काल का पौधा है, मैंने इसको लगाया है। आगे जीवन में याद रहेगा जब तक वो रहेंगे कि कोरोना कोई वायरस आया था, हमने उसने हमको पर्यावरण की समझ दी। खंडवा में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वन विभाग में बड़ी लापरवाही करते हुए 1 लाख की कीमत की सलाई गोद जब्त की गई। साथ ही में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल वन विभाग को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी कि एक सफ़ेद रंग की पिकअप में धावड़ा गोंद भर कर रोशनी में बूंदी होते हुए इंदौर के ओर जा रहा है। सूचना पर वन परिक्षेत्र अधिकारी मुंदी अरविंद चौहान के निर्देश पर टीम बनाकर एक स्टाफ को अलग अलग मार्गों पर दबिश पर बिठाया गया और नाकाबंदी कर रोका गया, जिसमें प्याज की बोरियों के नीचे धावड़ा गोंद भरा हुआ था। इंदौर में नगर निगम ने अनूठी पहल करते हुए शुक्रवार को किन्नर समाज के लिए सदस्यों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। नंदलालपुरा स्थित किन्नर समाज के निवासी पर लगभग 86 किन्नरों का हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीनेशन किया गया। उक्त वर्ग को वैक्सीन लगाने वाला संभवतः इंदौर पहला शहर है। इस अवसर पर सबसे ज़्यादा आयु वाली 71 साल की दुर्गा माँ और 65 साल की सपना मांग द्वारा भी वैक्सीन लगवाई गई। इस पर अवसर पर किन्नर समाज ने आम नागरिकों से अपील की है कि कोरोना से मुक्ति के लिए सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। निगमायुक्त ने वैक्सीन लगवाने पर किन्नर समाज के प्रतिनिधियों का आभार माना है। इस अवसर पर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर तरुण गुप्ता, उपायुक्त SK सिन्हा, जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र गोरोटिया और गौरव गोप्ते आदि मौजूद रहे। स्पष्ट निर्देश है कि जितने भी अपने ऐसी कैटेगरीज हैं जो लगातार लोगों के संपर्क में आती हैं और घूम घूम कर कोई ना कोई ऑक्यूपेशन से संबंधित है, उन सभी लोगों को हाई रिस्क कैटेगरी में रखकर हम लोग वैक्सीनेशन पे ध्यान दें। इसी तारतम्य में जो थर्ड जेंडर है उनके भी वैक्सीनेशन की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक लगभग 11 थर्ड जेंडर ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया है और आज एक मेगा कैंप हम लोग कर रहे हैं जिसमें 75 लोग हैं एक साथ एक जगह पर नंदलालपुरा में, वहाँ पर सभी लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। बेसिकली ये सभी को संदेश देने के लिए भी है, जितने भी लोग हैं वो सभी हर वर्ग से हर आयु से जो परमिटेड आयु हैं उनमें से सभी लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि इस बीमारी से बचने का ये सबसे अचूक टाइप का उपलब्ध तरीका है।
सिंध नदी से रेत का अवैध उत्खनन रोकने में नाकाम होने पर कांग्रेस के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने इसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पत्र भी लिखा है। पत्र में सिंध नदी को बचाने के लिए अपना योगदान देने की अपील की है। उनका कहना है कि मैंने सिंध नदी को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए हैं, लेकिन सिंध को बचा नहीं सका है। और यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए खबरें ताबड़तोड़। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। सुबह के लिए उड़ चला घरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। SS चौहान ने आष्टा पुलिस थाने पहुंचकर कोरोना महामारी में सेवाएं दे रहे पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाया। SP चौहान ने अपने उद्बोधन में पुलिस कर्मियों को पुलिस प्रशिक्षण के दौरान ली जाने वाली शपथ को भी याद दिलाई। चौहान ने बताया कि किस प्रकार यह वर्दी हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। हमें हिंद का शेर कहा जाता है, जिसका निर्वहन करना प्रत्येक पुलिसकर्मी का कर्तव्य है। सिंगरौली जिले वासियों को कोरोना कर्फ्यू के बाद दी जा रही छूट के जिम्मेदार नहीं मानने पर, लापरवाही बरतने पर अब तक 300 से ज्यादा लोगों को अस्थायी जेल और 200 से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना किया गया है। किंतु अभी कोरोना गया नहीं है, थोड़ी सी असावधानी फिर से संकट में डाल सकती है और संक्रमण दर बढ़ सकती है। कोरोना कर्फ्यू की छूट के दौरान पूरी सतर्कता व सावधानी बरतें। अपने जिलेवासियों को निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि घरों से कम निकले, जरूरत कामों पर ही निकले। और जैसे कि वैक्सीन, जो सरकार ने वैक्सीन लगाने को कहा है, पहले 44 के 45 से ऊपर था, अब अंडर 18 से 44 साल के लोगों को, युवाओं को भी वैक्सीन लगाएं। इंदौर के कनाड़िया में भूरी टेकरी पर मौजूद घरों को तेज बारिश और आंधी के कारण नुकसान हो गया। गरीब तबके के कई परिवारों को प्रशासन ने योजना के तहत चद्दर के मकान उपलब्ध करवाए थे, लेकिन तेज बारिश और आंधी के कारण चद्दर उड़ गई। अचानक से हुए हादसे में कई बच्चे और अन्य लोगों को चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर कनाड़िया पुलिस और खजराना पुलिस के साथ ही अन्य विभागों के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। और ये मल्टी बनी, जब भी हमने विरोध किया था कि प्रधानमंत्री आवास के यही पैसे तो ये बनाएंगे, पर फिर भी जबरदस्ती तोड़े गए। आज हालात ये है, मैं नगर निगम से, जिला प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि इस तरह की आपराधिक सरकार नहीं हो सकती, इनके साथ न्याय करो भैया। मध्य प्रदेश के दतिया में लॉकडाउन समाप्त होते ही बाजार फिर से गुलजार होने लगे। अनलॉक होते ही बाजारों में खासी चहल पहल और रौनक नजर आने लगी। इसी को लेकर दतिया कलेक्टर संजय कुमार और पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने अपनी पूरी टीम के साथ दतिया के प्रमुख बाजारों का निरीक्षण करते हुए हालात का जायजा लिया। अभी छोटी छोटी पाबंदियां मुश्किल नहीं है करना, बस एक इच्छा शक्ति होना चाहिए। इसके लिए हम दुकानदारों को बातें कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, और जो नहीं कर रहा है उसे फाइन कर रहे हैं। होशंगाबाद के बालागंज में महाराष्ट्र बैंक के सामने अनैतिक कार्य के विरोध में सामूहिक रूप से मोहल्ले वालों ने इकट्ठा होकर सिटी कोतवाली में पिता पुत्र के विरोध में आवेदन दिया। ये पिता पुत्र काफी समय से अनैतिक कार्यों और आपराधिक कामों में लिप्त थे। मोहल्ले वासियों ने विरोध गुप्ता एवं उसके पुत्र पर वेश्यावृत्ति, नशे का कारोबार,
और कई आपराधिक प्रवृत्तियों को लेकर सिटी कोतवाली में आवेदन दिया है। यहाँ पे दो परिवार आपस में रहते हैं, पड़ोस पड़ोस में, उन्होंने आपस में इनके वातावरण हुआ, बातचीत, वाद विवाद हुआ, तो एक पड़ोसी ने इन पर एलिगेशन दिया, तो इनको अवैध गतिविधियाँ संचालित करते, इस संबंध में शिकायत आवेदन दिया है, जिसकी अपन जांच करेंगे कि कोई क्या अवैध गतिविधियाँ संचालित होती थी। सिंगरौली में 1 जून से हुए अनलॉक की प्रक्रिया के चलते रोड के दोनों साइड में संचालित दुकानों को दाएं और बाएं को अलग अलग दिन संचालन करने की प्रक्रिया का कठोरता से पालन करने के लिए विंध्य थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी सहित तैनात सुरक्षा कर्मियों ने कमर कस कर जी तोड़ मेहनत की है, जिसके तहत बगैर नियम की एक भी दुकान संचालित नहीं हो पाई। ये सतर्कता भी है, उनका स्वयं भी है और उनके काम करने की ललक भी है, स्वयं भी वो कार्य करने के लिए इच्छुक है, उनको भी कोरोना कम करने की ललक है, कोरोना कम हो ताकि हम लोग भी स्वतंत्र रूप से रह सकें, क्योंकि कोरोना यदि कम नहीं होगा तो फिर हम लोगों को जो आज़ादी है उस पर अंकुश रहता है, इसलिए हम लोगों का पूरा प्रयास है कि कोरोना किसी सूरत में कम किया जाए। भैंसदेही के बोरखेड़ी में पानी की समस्या बढ़ने लगी है, लेकिन बोरखेड़ी गांव में जल संकट इतना गंभीर है कि बोरखेड़ी गांव की लड़कियां जान जोखिम में डालकर गहरे कुएं में उतर कर पानी निकालने को मजबूर हैं। वहीं नदी तालाब सूख चुके हैं और गिरते जलस्तर की वजह से कुएं का पानी भी पाताल में पहुँच चुका है। लोग अपने रोजमर्रा के काम छोड़कर प्यास बुझाने के लिए पानी के जतन कर रहे हैं। बहुत हो रही है समस्या, हमारे गाँव को पानी नहीं मिल रहा, बहुत गंदा पानी पी रहे। आते हैं बोलते हैं लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही। देश के सबसे साफ शहर का दर्जा प्राप्त इंदौर के देपालपुर में इस दर्जे की पोल खुलती दिखाई दे रही है। यहां पहले ही बारिश में नाले ओवरफ्लो हो गए। देपालपुर में मौसम की सबसे तेज बारिश ने खेत को तालाब बना दिया। वहीं तेज हवा पानी से कई पेड़ धराशायी हो गए, जिसके कारण घंटों रास्ता बंद रहा। सतना पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल का सनसनीखेज बयान सामने आया है। अजय सिंह ने सीधे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को घेरा है। कमलनाथ ने बयान दिया था कि बिंद की वजह से सरकार गई। इस पर अजय सिंह राहुल ने कहा कि कमलनाथ बिंद का अपमान कर रहे हैं, सरकार गिरने का कारण बिंद नहीं बल्कि कमलनाथ की जिम्मेदारी थी कि सरकार बचाए रखते। हाँ, थोड़ा संयम रखे, मामले में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे अजय सिंह हो, चाहे जो हो, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनसे बोलने से कुछ तकलीफ हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे मौकों की तलाशी करती रहती है, हम क्यों मौका दें। इंदौर के चंदन नगर इलाके में दो भाइयों की हत्या से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार नई व छोटू नामक शख्स की यहां हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हत्या जमीन विवाद के कारण हुई है। पुलिस के अनुसार चंदन नगर की गरीब नवाज कॉलोनी में वारदात हुई, इसमें 70 साल की महिला खुर्शीद भी गंभीर घायल हो गई हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में ब्लैक फंगस महामारी को लेकर राहत भरी खबर आई है। ब्लैक फंगस के उपचार के लिए 12,240 एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की बड़ी खेप इंदौर पहुंची है। कुल 34 बॉक्स इंदौर पहुंचाए गए हैं, जहां एक बॉक्स में 360 वायल मौजूद हैं। प्रदेश में राजनीतिक मुलाकातों का दौर जोरों पर है, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बंद कमरे में 1 घंटे तक चर्चा की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बाहर आकर बयान दिया कि भाजपा एक परिवार है, सदस्यों के बीच में मुलाकात के दौर चलते रहे थे। देखिए, मुलाकात सहज रूप से हम लोग मिलते ही रहते हैं, हमारे प्रदेश के जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आपस में बातचीत करते रहे। नशे के कारोबार करने वाले दो युवक जो लगभग 18 किलो गांजा उड़ीसा से लाकर सतना तरफ जाने के लिए 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तभी कटनी जीआरपी को मुखबिर की सूचना मिली और तत्काल जीआरपी थाना प्रभारी राकेश कुमार पटेल दलबल के साथ जा पहुंचे और दोनों युवकों से बरामद 18 किलो गांजा तीरथ दाहिया और राहुल कुमार पटेल से बरामद किया। ये गांजा लेके आए थे प्लेटफार्म पर बैठे थे जाने की, कहां से लेके आए थे? अभी ये पूछताछ चल रही है, कितना गांजा ये उड़ीसा से बता रहे हैं, लेकिन अभी निश्चित सही नाम पता नहीं बता रहे हैं, पूछताछ जा रही है। जनपद शिक्षा केंद्र घनसौर के शिक्षकों ने कोविड काल में मरीजों की समस्याओं को देखते हुए एक अनूठी पहल की है, जिसके तहत शिक्षकों ने आपस में राशि एकत्रित कर दो बेशकीमती मशीन, जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए की है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घनसौर को सहायक कलेक्टर अक्षत जैन की उपस्थिति में प्रदान की। इन मशीनों से सभी प्रकार की जाँचें की जा सकेंगी, जिसकी रिपोर्ट कुछ मिनटों के अंदर ही मरीज को तत्काल उपलब्ध कराई जा सकती है।
सिवनी जिले के घनसौर थाना अंतर्गत मेहता गांव के पास खरीदी केंद्र से गेहूं ले जा रहे ट्रक ड्राइवर की लाश जूता और चप्पलों से बेरंग से पिटाई की गई। यह पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो की के न्यूज इंडिया पुष्टि नहीं करता। वीडियो वायरल होने के बाद पीड़ित ट्रक ड्राइवर ने घनसौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मंदसौर के झलारा गांव की आधी आबादी करीब डेढ़ माह से पीने के पानी की समस्या से जूझ रही है। इसको लेकर गुरुवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत का घेराव किया और पंचायत पर जल वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने पंचायत भवन के बाहर 3 घंटे तक पानी के खाली बर्तन रखकर धरना प्रदर्शन किया। डिंडोरी के करंजिया बजाब और डिंडोरी जनपद पंचायतों में आयोजित विकासखंड स्तरीय कोविड-19 की कोविड कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने करंजिया विकासखंड में आयोजित बैठक में अधिकारियों से कोरोना से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली और शासन स्तर से कोरोना की जाँच वैक्सीनेशन और किल कोरोना अभियान की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। करंजिया में एक तो एक साथ बैठ के कोरोना के बारे में कभी चर्चा इस प्रकार का नहीं हुई। प्रशासन स्तर पे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं वैक्सीनेशन को लेकर के नीचे तक पंचायत स्तर पे हो, सब तरह के जितने लोग ड्यूटी में हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों को हमने कहा है कि सब मिलकर के इस पूरे अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो। 50 दिन के कोरोना कर्फ्यू के बाद आज से मुरैना धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। दुकानों को लेफ्ट राइट साइड फार्मूला के आधार पर खोला जाएगा। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बाजारों को खोला जाएगा। एक दिन लेफ्ट साइड तो अगले दिन राइट साइड की दुकानें खोली जाएंगी। व्यापारियों को 10 जून तक वैक्सीनेशन लगवाना अनिवार्य होगा। जो दुकानदार वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन